हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल शिवानी स्टडी हब में। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग को पता है कि DDO का जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है उसको लेकर काफ़ी बहुत एक बड़ा चेंजेस लाया है और काफ़ी बच्चे बहुत परेशान हैं कि क्या मैम MCQ आएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे। एवरीथिंग इस वीडियो को देखने के बाद हर एक डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। बात करें इस कोर्स में, अगर हम बात करें इस वीडियो में, तो हम सिर्फ यहाँ पर UG कोर्सेज़ की बात करेंगे कि UG कोर्सेज, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग PG कोर्सेज़ की बात करेंगे कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने MCQ आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, क्या मिड और एंड टर्म एक साथ होगा। एवरीथिंग, आपको जो भी डाउट्स हैं नए पैटर्न पर आधारित, वो सारे डाउट्स इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर पैटर्न को देखते हैं, पेपर पे पैटर्न। अब तो ये एकदम फाइनल हो गया कि पैटर्न चेंज हो गया है, जो कि UG में सिर्फ और सिर्फ MCQ। यहाँ पर आपको कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ MCQ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे उसको देखते हैं। आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, और MCQ तभी हो पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब MCQ क्वेश्चंस ही सिर्फ आएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मिड टर्म और इन टर्म प्लस एंड टर्म, तो ये जो दोनों पेपर हैं आपके क्या हैं, साथ में होंगे। मिड टर्म और जो एंड टर्म जो पेपर हैं वो दोनों आपके क्या हैं, साथ में होंगे। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरे पॉइंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो पेपर का पैटर्न, अगर हम बात करें आपका इस साल 2023 और 24, जो इस साल आपका जो पेपर होगा, और 2022 और 23, जो कि आपका ये पहले पैटर्न जो होता था, और अब के पैटर्न में सबसे पहले समझो चेंजेस के। हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना, तभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि मैम क्या पैटर्न रहेगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या सब्जेक्टिव नहीं आएंगे, तो एवरीथिंग। तो 2023 और 24 में, आप बात करें 22-23 की, तो यहाँ पे आपके टोटल क्या थे, 100 मार्क्स से पेपर होते थे पर सब्जेक्ट। 40 जो होता था आपका ये मिड टर्म, और यहाँ पर 60 जो होता था आपका एंड टर्म। अब इस 40 में जो 40 मार्क्स का आपका मिड टर्म होता था, इसमें आपका 25 नंबर जो कि 10 प्रोजेक्ट पे होता था, 10 असाइनमेंट पे होता था, और 5 अटेंडेंस पे होता था, यही होता था पहले। और जो 60 नंबर बचते थे वो आपका क्या, इसमें 40 MCQ आते थे, और हर एक MCQ कितने का था, 1.5 का। तो टोटल कितने आपके 60 MCQ आते थे। ये जो था पहले का पैटर्न था, ठीक है, ये था आपका पहले का, जो इस पैटर्न पर परीक्षा आपकी होती थी। टोटल 100 क्वेश्चन आते थे, 40 का मिड टर्म, जिसमें कि आप में 25 नंबर आपका, 10 नंबर प्रैक्टिकल असाइनमेंट वगैरह, और यहाँ पर 40 में 25 आपका तो ये होता था, और 15 आपके क्या होते थे, मिड टर्म, जो कि 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे, जो कि आपको कोई 3 करने होते थे। ठीक है, तो 25 और यहाँ पर 15, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें 23-24 में, 23-24 में पैटर्न क्या हो गया कि जो भी बच्चे BA, BSc, BCom, BBA, मतलब जो भी आपके UG के कोर्सेज हैं, जो भी आपके UG के कोर्सेज हैं, तो उसमें हम बात करें यहाँ का आपका टोटल जो पैटर्न रहेगा, टोटल मिड और एंड टर्म एक साथ होगा। ठीक है, टोटल यहाँ पर 100 मार्क्स के, यहाँ पर 75 और 25 तो वही कॉलेज वाला ही है आपका, 10 नंबर वही प्रोजेक्ट, 10 नंबर असाइनमेंट, और 5 नंबर अटेंडेंस पे। ठीक है, ये तो सेम वही सेम पैटर्न है कि यहाँ पर 25 नंबर कॉलेज से आपको मिलेंगे। बचा ये 75 क्वेश्चन, टोटल जो 75 ये मार्क्स हैं, ये टोटल 75 मार्क्स आपके MCQ होंगे। ठीक है, अब इस टोटल जो 75 मार्क्स हैं वो आपके MCQ होंगे, तो मैम कितने क्वेश्चंस जो आएंगे हमारे MCQ में और कितने मार्क्स के आएंगे, तो यहाँ अगर हम बता दें 75 क्वेश्चन है, या तो 75 MCQ देगा हर एक क्वेश्चन जो है वो होगा, ठीक है, हर एक क्वेश्चन एक मार्क्स का हो गया, मतलब टोटल 75, या तो हो सकता है आपको 50 क्वेश्चन दे, और 50 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन 1.5 का हो, तो 75 मार्क्स।
50 क्वेश्चन दे देगा और हर एक क्वेश्चन 1.5 का रहेगा, ठीक। और या तो हो सकता है 100 आपके पास क्या रहे, क्वेश्चन रहे, और हर एक क्वेश्चन 0.75 मार्क्स का रहे, जो कि टोटल 75। तो देखिए पेपर का पैटर्न ज़्यादातर आपको देखने को मिल रहा है ये सेकेंड वाला, 50 क्वेश्चंस देंगे और 1.5 के। और एमसीक्यू आप तभी कर सकते हो जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, वरना। और 75 में से आपको 25 नंबर पाना जो है कंपलसरी है, वरना आपका क्या है फिर परसेंटेज या सीजीपी आपका गिर जाएगा। तो टोटल आपका ये पैटर्न रहेगा अगर हम बात करें यहाँ पर यूजी कोर्सेज का, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीएससी एग्रीकल्चर जो भी हो आपका, ठीक है। ये आपका टोटल यूजी कोर्स का पैटर्न रहेगा। अब यहाँ हम बात करें आपको, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 25 नंबर आपके कॉलेज वाले जो कि प्रोजेक्ट असाइनमेंट वो मिलेगा, 75 मार्क्स आपके हाथ में है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम नहीं है, अब दिवाली वगैरह है, धनतेरस वगैरह, उसमें तो आप ना चाहते भी वहाँ पर आपका टाइम यूज़ होगा ही, तो आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। अगर आप चाहते हो सेमेस्टर एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन आपके जो आ जाए, तो आप कोर्स में भी इनरोल हो सकते हो। कोर्स मैंने लॉन्च किया है, चाहे वो किसी भी कोर्सेज का हो, यूजी, पीजी, ऑल कोर्सेज, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएमएससी, एमकॉम, आपको हर एक कंटेंट में 100 एमसीक्यू बस मिलेंगे। मैं ज़्यादा एमसीक्यू नहीं दूंगी, और 100 में से आपकी ईजिली जो है 100 to 200 एमसीक्यू प्रोवाइड करेंगे, ईजिली आपके कवर हो जाएंगे। कंटेंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कंटेंट की हम बात करें तो ये आपका कंटेंट है जो कि आप किसी भी कोर्सेज से हैं, अगर बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएमएससी, एमकॉम, ये कोर्सेज हैं आपका, सारे कंटेंट मटेरियल आपको एक जगह पर मिलेगा। 100% आपको क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे, कोई भी बुक, कोई भी यूपीएस नहीं, कोई पूरे कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू हम करवाएंगे। आपको क्या करना है, बस यहाँ पर इस नंबर पर आपको नंबर मैं यहाँ पर पिन कर देती हूँ, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे आपको सिर्फ आपको इस नंबर पे मैसेज करना है, ठीक है। अपना नेम, सेमेस्टर और सब्जेक्ट, और किस माध्यम में आपको चाहिए, हिंदी या इंग्लिश में, सभी सब्जेक्ट के आपको एमसीक्यू मिलेंगे, और कॉन्सेप्ट सीरीज भी, थ्योरेटिकल सेशन भी। बस आपको इस नंबर पे मैसेज करना है अगर आप चाहते हो सेमेस्टर एग्जाम में। मेरे साथ जो पहले भी बच्चे जुड़ सकते हो, बहुत सारे बच्चों ने इस कोर्स में इनरोल किया है, आप भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना।